लाखों करोड़ों में बारू एरनिया हाँ नंबर वन दुल्हनिया हो। अभी हमारे सामने वायरल जोड़े हैं मिठू और मानसी जी। आज मैं कहती हूँ I love you too। पहली बार जो है इस तरह का शादीशुदा जोड़ा आप देखे होंगे। चमके लुसी सहाय सन टिके ना नजरिया ए जान, चमके लुसी सहाय सन टिके ना नजरिया ए जान, सच हो रे बन रे गइलो आँख के पुतरिया ए जान, सच हो रे बन रे गइलो आँख के पुतरिया ए जान। तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम लोग जिस दिन शादी के उसी दिन डायरेक्ट घर पे ही गए थे। अच्छा अच्छा, घर में ही? हाँ, घर पे गए और उसके बाद उस समय से घर पे ही रहे। हम लोग घूमने उमने के लिए 10 दिन 15 दिन गए, इधर उधर कहीं कहीं जाते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं जब से वायरल हुए तब से, बाकी तो हम शुरू से ही घर पे ही है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जो है कभी सोचे थे कि मेरा जो है लव मैरिज हो जाएगा, हम एक क्रिएटर बन जाएंगे, एक कलाकार बन जाएंगे? नहीं, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हम लव मैरिज शादी करेंगे और उसके बाद ये वीडियो बनाएंगे, नहीं सोचा। लेकिन ये सब हो गया, लास्ट में आप कलाकार बन गए, एक तरह से क्रिएटर हैं, वीडियो बनाते हैं तो कलाकार हुए। अच्छा, ये जर्नी आपका कहाँ से शुरू हुआ मिठू जी, ये वीडियो बनाने का कैसे मन में आया? देखिए, जब शादी करने के बाद घर पे गए तो हमारे एक मित्र हैं, जो हमारे मित्र इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, उसके बाद उनका मित्र भी आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, 3-4 एक साथ। अच्छा। तो पहला वीडियो मेरा 4 मिलियन व्यू गया, ठीक है। अच्छा। उसके बाद फिर दूसरा का 10 मिलियन गया। अच्छा। जब ऐसे व्यू जैसे जाने लगा तो हमको तो पता नहीं था इतना घर पे मीडिया वाले आएंगे, लगभग 2 महीना तक ले तो इतना मीडिया वाले आते थे भैया, इतना कंटिन्यू आते थे, मतलब सुबह में खाते थे तो एक बार आते में खा पाते थे, इतना इंटरव्यू देते थे थक जाते थे। तो सभी का दिन है, आप जितने भी मीडिया वाले भाई साहब हमारे वीडियो ये देख रहे हैं, सब हमारे लिए तो भगवान है, आदरणीय है, क्योंकि उन लोग की वजह से आज हमारे पूरे बिहार यूपी बिहार में लोग जान रहे हैं। जो भाई पूरे यूपी बिहार में जो है ना पूरा धमाल मचा दिया, इनका वीडियो इतना वायरल हुआ कि ब्लॉग वीडियो अगर कोई भी देखना चाहता था ना तो इन्हीं दोनों का ब्लॉग वीडियो आता था, काफ़ी वायरल हुए। अब जो है मानसी जी, आगे मतलब क्या सोच है आप लोगों का, वीडियो बनाना है, कहां तक जाना है? अब आप लोग जो है कॉमेडी वीडियो में भी आ रहे हैं, शॉर्ट फिल्म में भी काम करने लगे हैं, क्या सोच है आगे? आगे तो यही सोचे कि बहुत बड़ा स्टार बने और सब कुछ एकदम जैसा हम सोचे हुए सपना वैसा मेरा पूरा हो जाए, वही चाहते। देखिए सर, हम लोग सिर्फ वायरल है, थोड़ा सा नॉलेज का कमी है, लेकिन अगर जिस समय हम वायरल हुए थे, जिस समय गाना नहीं चलता ट्रेंडिंग उससे, वैसा ही हम लोग सभी लोग बोलते हैं कि तुम लोग ट्रेंडिंग में चला था, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, उस समय अगर हमें नॉलेज रहा रहता तो आज हमारा 60,000 सब्सक्राइबर नहीं रहता, हो सकता था वो मतलब 6 लाख 5 लाख ऐसे करके मिलियन में मिलियन भी रहा था, क्योंकि उस समय हमको नॉलेज ही नहीं था। नॉलेज के लिए ही घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे हम रियल रोशन के पास आए हैं तो शॉर्ट वीडियो बनाने का या फनी वीडियो बनाने का या शॉर्ट फिल्म बनाने का ये मुझे माइंड में ट्रिक बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब स्टोरी लिखने का, बिल्कुल इसलिए हम घर से बाहर निकले। मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिला आप लोगों को, मौका मिला। अच्छा, रियल रोशन जी से कैसे संपर्क हुआ? देखिए, रियल रोशन जी खुद से हमसे संपर्क किए थे। अच्छा। क्योंकि हम जिस समय वायरल चल रहे थे तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज बहुत सारे किए, उसके बाद हमने इनको रिप्लाई दिया तो ये इसने बताया कि हम रियल रोशन हम स्टार मतलब बोल रहे हैं, हम भी क्रिएटर बहुत बड़े। हम बोले ठीक है, बोलिए। तो बोला कि चैनल देखने के लिए देखे, काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स भी था, सब्सक्राइबर भी था। तब बताया तो इनका वीडियो हम देखे तो प्रोफेशनल वीडियो भी लगा, काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा सा अडल्ट थोड़ा सा था, लेकिन हमें यह बताया सर भैया आप लोग भी शूट कर देते हैं, आते हमारे यहाँ तो ठीक ही रहता है। बोले देखे भैया, हम अडल्ट वीडियो शूट नहीं करेंगे, हमारे लिए पारिवारिक साफ सुथरा अगर वीडियो करेंगे तो हम लोग आएंगे, क्योंकि हम लोग कपल है, लव मैरिज कपल। तो बोले ठीक है, तो हम लोग के टाइप का वीडियो जब लिखाया है तो हम लोग को बुलाए हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि आप लोग अभी तक तो दोनों पति पत्नी मिल के जो है लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई वीडियो बना रहे थे, ब्लॉग वीडियो बना रहे थे, ये पहली आप शॉर्ट फिल्म में आए? शॉर्ट फिल्म में इसे पहले बार बनाए थे, लेकिन वो था थोड़ा सा दूसरे टाइप, वो भी प्रोफेशनल था लेकिन इससे कुछ कम था वो, लेकिन उससे ज़्यादा ये लेवल। अच्छा, अब जो आगे जो है क्या इसको जारी रखना है, लगातार करना? देखिए, जारी रखना है, लेकिन हम भी ऐसा चाह रहे बनाना, लेकिन फिलहाल हम एक रील्स टाइप का होता है ना शॉर्ट, उस टाइप का हम कॉमेडी टाइप का बनाएंगे, अपने घर पर जाते हैं तो
और धीरे धीरे बनाएंगे ताकि पैसा जमा होगा तभी कोई उपाय होगा। ऐसा लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए पैसा स्टॉक 5 लाख हमेशा, 2 लाख, 1 लाख हमेशा जमा। सही बात है। नहीं, एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आज जैसे रियल रोशन जी के पास आए, इनके भी प्लेटफॉर्म पे काम किए हैं, वीडियो बनाए हैं, अगर इनसे भी कोई बड़ा और भी अगर कोई कहीं से ऑफर आ जाए, कहीं से आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो क्या वहाँ जाइएगा? हमें अमित मोटका का ब्याह जो देखे होंगे वो भी हमको बुलाए हैं। अच्छा, तो हम लोग घर पे जाते हैं, हम दोनों कपल है, हम दोनों डिसाइड करेंगे क्या करना है ना करना, उसके बाद ना हम लोग सोचेंगे। अच्छा अच्छा, तो चलिए बहुत अच्छा। इसी तरह से जब वायरल होते हैं तो बहुत सारा ऑफर आने लगता है। और ये मिठू मानसी जी बहुत अच्छा गाना भी गा लेते हैं, गाना गाने का भी बहुत अच्छा कला है इनमें। तो आइए हम 2-4 गाने भी आपको सुनाते हैं। मिठू जी, आप अपने मानसी जी के लिए गाना कुछ सुनाइए। बिल्कुल, सबसे पहले जितने भी दर्शक देखने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। घुंघटा से ताकेलू तलागे झाकतिया चंदनिया हो, घुंघटा से ताकेलू तलागे झाकतिया चंदनिया हो, लाखों करोड़ों में बारू ए रनिया हा नंबर वन दुल्हनिया हो, लाखों करोड़ों में बारू ए रनिया हा नंबर वन दुल्हनिया हो। हमारे लिए नंबर वन है ना, गजब कर दिए। वाह, कैसे आपको कैसा लगता है जब गाना सुनाते हैं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप भी इनके लिए कुछ सुनाइए। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। सबसे पहले इनके मतलब हम प्यार का जब स्टार्ट हुआ था, एक गाना था जो कि गाना मतलब इनके लिए हम हमेशा गाते थे वो गाना, जो कि गाना ये है। अच्छा, इधर लाइएगा। चमके लुसी सहाय सन टिके ना नजरिया ए जान, चमके लुसी सहाय सन टिके ना नजरिया ए जान, सचहूर बन रे गैलो आँख के पुतरिया ए जान, सचहूर बन रे गैलो आँख के पुतरिया ए जान। आप लोग जो है इन दोनों के एक्टिविटी से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, अंदाजा लग गया होगा कि इन दोनों का प्यार किस तरह से है। जिस तरह से एक दूसरे के प्रति दिल से जो आवाज़ निकलती है, रियलिटी जो आवाज़ निकलती है, जो इनके दोनों के ऊपर जो गुजर चुके हैं, जो इनका लाइफ स्टाइल बीत चुका है, उसके ऊपर जिस तरह से गाने के लय में गाने बनकर जो आवाज़ आता है, आप लोग समझ गए होंगे कि कितना दोनों प्यार करते हैं। हाँ, और आप भी कुछ गाना सुनाना चाह रहे थे। काटे नहीं कटती दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, काटे नहीं कटती दिन ये रात कहनी थी तुमसे दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू। पहली बार जो है इस तरह का शादीशुदा जोड़ा आप देखे होंगे, जो लव मैरिज किए, प्यार हुआ। पहले सबसे पहले तो शादी में जाते हैं, जयमाला में जाते हैं, इनको दिल आ जाता है, इनके ऊपर नैन मटक्का हो जाता है, प्यार हो जाता है, शादी भी हो जाती है। और शादी के बाद भी भाई साहब इतना प्यार आप कभी भी नहीं देखे होंगे, कहीं भी नहीं देखे होंगे। तोहसे कितना प्यार करी ले तोहके ना अंदाज बा, तोहरा सिवाना हमरा दिल पे केहू के भी राज बा, हाँ तू कहबू त जियब ए रानी, तू कहबू त हम मर जाएं, तू कहबा त जियब ए राजा, तू कहबा त हम मर जाएं। यहाँ झमकौला से ना होई, कैला से होई। आई लव यू। देख सकते हैं गजब अंदाज। चलिए, ये थे हमारे साथ में मिठू और मानसी जी, जो काफ़ी वायरल है। अगर इनका पूरा वीडियो आपको देखना है, क्या नाम है चैनल का? मिठू मानसी ब्लॉग, मिठू मानसी ब्लॉग्स। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए DNY न्यूज़ के साथ, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। I'm sorry.